के लोगों की वर्षों पुरानी मांग रेलवे ओवरब्रिज अब अपने अंतिम पड़ाव में है। बहुत जल्द यह आम लोगों के सुपुर्द कर दी जाएगी। इधर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण करने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों से संवाद कर समस्याओं को जाना और जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। वहीं उन्होंने ब्रिज के कार्य में जो खामियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि 2009 में उन्होंने रेलवे ओवरब्रिज से संबंधित बातों को विधानसभा में उठाया था। आज स्थानीय लोगों का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हम लोगों ने इस जुगसलाई के लोगों की ये व्यथा बताई और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना किया, क्योंकि वो इस विभाग के भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी ने इसको अविलंब जो है विभागीय सचिव आदरणीय सुनील जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस पर सक्रिय भूमिका निभाई है। और चूँकि बार बार यहाँ के क्षेत्र के लोग भी इस बात को करते रहे और 2009 में जब मैं विधायक बना था तो सबसे पहले मैंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठाया था, तो और माननीय विधायक हमारे मंगल भाई भी इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान रहे हैं और कई बार मुझसे इस संबंध में कि भैया कैसे होगा, भैया करिए इसको, तो मैं समझता हूँ कि मंगल कालिंदी भी क्षेत्र के ऐसे विधायक हैं जो क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तेज गति पे काम हुआ है आप ये तो ज़रूर कहेंगे कि यह अद्भुत काम हुआ है और हम लोग प्रयास में हैं कि इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से जनता को जल्दी इसको समर्पित करें। निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में रखी गई थी। कुछ समय काम होने के बाद रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अधर में अटक गया था। मामला संज्ञान में आते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने इस कार्य में हस्तक्षेप कर रेलवे ओवरब्रिज के कार्य को बल दिया। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द यह रेलवे ओवरब्रिज आम लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ऐसे में जुगसलाई बागबीड़ा ग्रामीण क्षेत्र की लाखों पैच ऐसे में जुगसलाई बागबीड़ा ग्रामीण क्षेत्र की लाखों आबादी को जाम की बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।